नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। ससुराल जा रही दुल्हन हुई प्रेमी संग फरार, मामला थाने जा पहुंचा, जाने पूरी खबर। कांकेर, विवाह के बाद मंडप से विदा होकर ससुराल जा रही दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद कांकेर पुलिस ने दुल्हन व उसके प्रेमी को रोका और इसकी सूचना उनके स्वजनों को दी। सूचना मिलने के बाद स्वजन कांकेर पहुंचे और दुल्हन को साथ चलने की समझाइश दी। दूल्हा अपनी दुल्हन को माफ कर साथ ले जाने को तैयार था, लेकिन दुल्हन को दी गई समझाइश काम नहीं आई। पुलिस थाने से बाहर निकलते ही वो अपने प्रेमी के साथ जाने लगी, जिससे नाराज स्वजनों ने प्रेमी की पिटाई भी कर दी। लेकिन इसके बाद भी दुल्हन ने अपना इरादा नहीं बदला और प्रेमी के साथ ही चली गई। वहीं दूल्हे व बारातियों को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। नव विवाहिता की विदाई के बाद ससुराल जाते वक्त अपने प्रेमी के साथ भाग जाने का मामला सामने आया, जिसमें दंतेवाड़ा जिले के निवासी युवती का प्रेम प्रसंग बस्तर जिले के एक युवक के साथ था। इसी बीच युवती के पिता ने उसका विवाह महाराष्ट्र सांवर गांव के एक युवक के साथ तय कर दिया। युवती ने शादी से इनकार किया, लेकिन घर वाले नहीं माने। विवाह की तारीख तय होने के बाद 6 फरवरी को युवती के पैतृक ग्राम दल्ली राजहरा में विवाह सम्पन्न हुआ। विवाह के बाद दुल्हन को विदा किया गया, लेकिन ससुराल जाते समय राजनांदगांव में दुल्हे व अपने ससुराल वालों को चकमा देकर लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। नव विवाहिता के आधे रास्ते से गायब होने पर दूल्हा अपने परिवार के साथ मानपुर पुलिस थाना पहुंचा और दुल्हन के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने तत्काल इसकी सूचना आसपास के पुलिस थानों में दी। थाने में दूल्हे द्वारा साथ चलने के लिए कहने पर दुल्हन ने इनकार कर दिया। दुल्हन ने कहा कि मैं तुम्हें मात्र 4 महीने से जानती हूं और प्रेमी को 4 साल से। हालांकि दूल्हा इस घटना के बाद भी दुल्हन को साथ ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन दुल्हन के इनकार करने के बाद दूल्हे व बारातियों को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा।